हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे आप अपने फेसबुक आईडी को लॉक हो जाता है आपका, तो उससे पहले आप एक दो सेटिंग कर लेंगे, वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे, टू वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका फेसबुक आईडी कभी भी लॉक नहीं होगा और आसानी से आप अपने अच्छे लेवल से गेम खेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि अपने फेसबुक आईडी को कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको बताऊँगा बहुत आसान तरीके में। तो जैसे फ्रेंड्स, इस तरह से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे, थ्री आइकन में करेंगे, सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से आ जाएगा, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करेंगे बाद इस तरह से आपको स्क्रीन पर आ जाएगा जो पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जब फ्रेंड आ जाएंगे तो इसमें देख सकते लिखा है लालमोहन, और कॉन्टेक्ट में आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट में आपका होता है कि आपका नंबर होता है, जो आपका नंबर सही रहेगा आपके पास तो वही कर देंगे, और आपका जो होता है ईमेल आईडी इसमें सेव कर देंगे। इससे क्या फ्रेंड होगा कि आप अनब्लॉक होंगे तभी आप इस नंबर के जीमेल आईडी को रिटर्न करना चाहते हैं उसमें कंप्लेन करेंगे, आसानी से डाल के अनब्लॉक हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि फ्रेंड आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आप इस तरीके को आजमाएंगे तो आपका होता है कि आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो इससे क्या होगा फ्रेंड हमें लाइव में कभी भी हमारा लॉक नहीं होगा जो हमारा फेसबुक अकाउंट होगा। तो आप इस तरीके को आजमाएंगे तो आपका भी अकाउंट कभी भी लॉक नहीं होगा। जैसे इन्फिनिटी कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म योर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका होता है इसको ऑन कर देंगे तो आपका अनब्लॉक कभी भी नहीं होगा। और आप फेसबुक के जो माध्यम से आप गेम कनेक्ट कर लेते हैं तो होता है कि आपका गेम कनेक्ट करने के बाद आपको लॉक हो जाता है, तो कभी भी लॉक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने क्लिक करेंगे तो आप चूज योर कंट्री पर सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जब कंट्री चूज कर लेंगे तो फेसबुक का जो होता है कंपनी के हेड मास्टर होते हैं जो देख रेख करते हैं, उसको आसानी से पता चल जाएगा कि मतलब इस कंट्री से हैं और बहुत सेफ्टी से अपना आईडी पासवर्ड को आप सेव किए हैं। तो इस तरह सेव करने के लिए आप अपने सेलेक्ट करेंगे कंट्री को, इस तरह से आपको स्क्रीन पर सिक्योर अकाउंट कर देंगे, अपने दोनों दिखाई देगा जो आपको इसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ देने के लिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे फिर से अलग तरह से ऑप्शन आ जाएगा जो आपको उसमें यस कंटिन्यू करना है नो कंटिन्यू, तो यस कंटिन्यू पर फ्रेंड करेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका जो होता है आईडी प्रूफ लगेगा, जो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जो उससे क्या होगा फ्रेंड कि आपको नंबर पर ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने नंबर सेव किए हैं इस नंबर में फेसबुक अकाउंट है उसको अकाउंट पर आपके मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा फ्रेंड, मैसेज आने के बाद आपको ओटीपी देना है, तो इससे नेक्स्ट दूसरा नंबर पर करेंगे नेक्स्ट मैसेज एसएमएस, इस पर फ्रेंड आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से देख सकते हैं एड नंबर कर सकते हैं, जो ना आपका नंबर नहीं रहेगा तो उसमें ऐड कर लेंगे, जो हमारा नंबर इसमें सेव है तो इस तरह से हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, जो आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं इस तरह से आपका भी नंबर पर आ जाएगा। जो आप फ्रेंड्स इस तरह से अपने नंबर पर हम ओटीपी डालेंगे, इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भी नंबर पर ओटीपी आएगा, तो इस तरह इसमें ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से काम डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स इंटर योर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव नंबर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे फ्रेंड आपको यहाँ पर वोटर आईडी और पैन कार्ड दोनों, आपको आधार कार्ड इसमें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप देख सकते बी डू नॉट एक्सेप्ट योर आधार कार्ड, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको पैन कार्ड और वोटर आईडी होना चाहिए, जो आपको पासपोर्ट रहना चाहिए, दो तरीका होना चाहिए, तीन तरीका। तो फ्रेंड्स आपको हम पैन कार्ड से इस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। डालने के बाद जो आपका होता है जिस आईडी से आप चालू करते हैं फेसबुक फ्रेंड्स, वही आईडी का आपको पैन कार्ड डालना है, नहीं तो आपको मैच नहीं करेगा, तो आपको अनब्लॉक कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के बाद पैन कार्ड को होता है फ़ोटो रहेगा, जो जिस नंबर से आपका होता है कि फेसबुक चलता है उसी का आपको आईडी लगना चाहिए इसमें। इससे क्या होगा फ्रेंड कि फेसबुक टीम आसानी से आपको रिकवर कर लेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने फ़ोटो को ले लेंगे, जो होता है फ़ोटो को मोबाइल से स्क्रीन को लेने के बाद इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे, ऑटोमेटिक फ़ोटो खींचा जाएगा, जो क्लिक हो जाएगा, जो आप क्लिक होने के बाद इस तरह टेक सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए पैन कार्ड पर क्लिक करना है, तो इस तरह से हमारा स्क्रॉल करेगा आसानी से। स्क्रॉल करने के बाद सिस्टम में अपलोड होगा, जब अपलोड हो जाएगा फ्रेंड्स इस तरह से जो भी आपके पास रहेगा इसमें आप सेव करके दे सकते हैं जो फेसबुक टीम को।
इस तरह सेव कर देंगे तो आपका को लॉक कभी नहीं होगा, आप लाइफ में कभी भी लॉक नहीं होगा, अनब्लॉक हमेशा रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आसानी से ऑन हो जाएगा। जो थैंक यू और फॉर सबमिट योर इन्फो, इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे। आपको इस तरह से प्रोफेशनल आईडी मिल जाएगा, प्रोफेशनल आईडी और टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी वो मिल जाएगा, इस तरह से आपका भी मिल जाएगा। जो देख सकते हैं इन प्रोसेस इन प्रोग्रेस इंडिया, इस तरह आपका पूरा डिटेल वाइज निकल जाएगा, जो आपको 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर में आपका अप्रूव हो जाएगा। जब अप्रूव होगा लाइफ में आपका कभी भी लॉक नहीं होगा, आपका आप कभी भी अपने फेसबुक से या इसमें अटैच हो जाएंगे, जो लाइफ में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब अपने अच्छे लेवल पर चल जाएंगे तभी भी आपका लॉक नहीं होगा। इस तरह से आप भी अपने नए नए गेम को यूज करके अपने अच्छे लेवल से खेल सकते हैं, जो आपको लाइफ में लॉक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप भी ये BGMI गेम खेलना चाहते हैं, फ्री फायर खेलना चाहते हैं न्यू तरीके से, इस तरह खेल के आप बना सकते हैं।